स्माइल करने के ना पैसे नहीं लगता, बहुत ड्रामा हो चुका है, सो नाउ यू प्लीज एंजॉय द मोमेंट। आई एम हैप्पी बर्बादी बंदर। थैंक यू बंदरिया, लेकिन याद रखना तू भी इस बर्बादी वाली बोट में मेरे साथ सेल करने वाली है। पुत्तर ले। दी, कितनी चीप सी रिंग लाए हैं ये लोग। आपने सच ही बोला था, हमारे खानदान से रिश्ता जोड़कर ये दोनों बहनों की तो लॉटरी लग गई। एक मिनट निशा, एक मिनट, एक मिनट। एक्चुअली एक मिनट और, बहुत गर्मी हो रही है ना। Congratulations, चित्रा, फाइनली तुम्हारा सपना पूरा हो रहा है, हमारा बेटा शादी कर रहा है। आई जस्ट विश तुम यहां होती तो। Congratulations. Wish you all the very best. God bless you both. Thanks. Thank you. Krishna. Sir, a photo please. Sure. Sir, a family photo please. Sure. एक मिनट रोशनी, आओ। वहां क्या कर रही हूं, आइए ना मेहर, गौतम कम भाई साहब, दादी नानी आइए ना प्लीज। थैंक यू एवरीवन, आइए हमारे साथ हमारे परिवार की खुशियों में शामिल हो जाइए, मुंह मीठा कीजिए, चलिए। चलो मुंह मीठा कर लो अपना।
आज तो तुम अपने लेक्चर की वजह से बच गई, पर आगे नहीं बचोगे, इसीलिए बच के रहना। तेरे साथ रहने के लिए, तेरी जान बचाने के लिए मैं तेरी किसी भी चाल के लिए रेडी हूं छोटी, बस हमारे रिश्ते की चाशनी लौट आए। मैडम, वो फोटोग्राफर्स को आप और रौनक सर की कुछ फोटोज चाहिए। संजीव जी, रिश्ता मुबारक हो, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अब दीजिए, मैं खा लूंगी। रौनक, मैं जब भी सोचती हूँ ना कि तुम इससे ज्यादा क्या करोगे, तुम हर बार मेरी एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस करके एक नया लेवल क्रिएट करते हो। एक लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन, लाइक रियली कुछ तो अपने स्टैंडर्ड का ख्याल किया होता। दुश्मन टक्कर का होना तभी खेलने में मजा आता है। This was a test for you, and surprisingly, तुम पास हो गई। इस गेम में और मजा आने वाला है, मेरे दुश्मन बनने के लायक हो तुम। अब देखना आगे क्या होता है, बिकॉज रौनक रेड्डी को हार की आदत नहीं है। के सारे सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर रही हूँ। अब दिन भर घर में इतना ड्रामा देखने को मिलता है तो फोन में ड्रामा सीरीज कौन देखेगा? पर आज का ड्रामा बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। जानने से इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मुझे। बहुत अच्छी गेम खेली वो, एकदम परफेक्ट आंसर्स। रोशनी जितनी डेस्परेट है चांदनी की शादी को रोकने के लिए, चांदनी उतनी ही कॉन्फिडेंट है इस घर में बहू बनकर आने के लिए। चांदनी जैसी स्मार्ट और कॉन्फिडेंट प्लेयर के साथ खेलने में और भी मजा आएगा। मजा आएगा मैदान में। दो सगी बहनें, एक सास एक बहू, और उनके ऊपर मैं। इंटरेस्टिंग। पर दी, अगर शादी के बाद दोनों बहनें दोस्त बन गई तो? नहीं होगी। आपको कैसे पता? जब दोनों बहनें पहले से ही एक दूसरे की दुश्मन हो और ऊपर से सास बहू बन जाए तो बाय डिफॉल्ट उनके रिश्ते पर लाइफ टाइम दुश्मनी का स्टैंप लग जाता है, और उसी दुश्मनी का फायदा उठाकर मैं हमेशा उन पर रूल करती रहूंगी। दोनों बहनों को हमेशा यही लगता रहेगा कि वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खेल रही है, पर एक्चुअल में शादी के बाद उनकी दुश्मनी को मैं अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए हमेशा इस्तेमाल करूंगी। वाओ दी, मास्टर स्ट्रोक। छोटी रोशनी, अंधेरा क्यों है? छोटी ने मुझे यहां क्यों बुलाया होगा? रोशनी,
रोशनी कहाँ है तू? सरप्राइज! हाय भाभी, हमने आपके लिए ना सरप्राइज पार्टी अरेंज की है। वैसे ही आइडिया रोशनी मामी का था। इसका मतलब फिर कोई प्लान चांदनी के खिलाफ। लेट्स सी अब क्या होगा। वाओ, नाइस प्रिपरेशंस रोशनी। प्रोग्रेसिव सासों। हेलो बंदर, ये पार्टी आप दोनों की है और बातों पे टाइम वेस्ट मत करो। लेट्स ओनली चिल एंड डांस। म्यूजिक। रोशनी, तुम दोनों बहनें यहाँ खड़ी खड़ी एक दूसरे को देख क्या रही हो? Come on, let's dance. अब नहीं नहीं बुआ जी। हेलो, क्या कहा तुमने? बुआ जी। हाँ, वो रौनक की रिश्ता जो भी हो, पर मैं वो बुआ जी टाइप्स नहीं हूँ। सो प्लीज कॉल मी संजोत, और ज्यादा ऑड लगे तो संजोत जी, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं प्लीज। चलो लेट्स डांस। चलो रोशनी। नहीं दीदी, सास और बहू साथ में नहीं नाचते। सास तो बहू को अपने इशारों पर नचाती है। वाओ, बड़ी जल्दी सास के लेसन सीख रही हो तुम। आई एम इम्प्रेस्ड। एनीवेज, छोटी तूने मुझे यहाँ कोई बात थी छोटी, तेरे इशारों पे काम करने की तो बचपन से आदत है मुझे। पहले बड़ी बहन पे हुक्म चलाती थी, अब बहू समझ ले, पर साथ हम तब भी थे और अब भी रहेंगे। करम जली दाद, ये सनक चढ़ी रात, ये शर्म बड़ी है, आज करेगी मेरे साथ, ये कोई खुराफात, पीछे ही पड़ी है। मेरी प्यारी बहुरानी, आज की रात तुम ऐसी पार्टी करोगी कि कल खुद अपनी मेहंदी पर नहीं आ पाओगी। एंड ऑफ कोर्स, जब सुमेर जी अपनी बहू को नशे की हालत में देखेंगे तो अपनी इज्जत की खातिर ये शादी तो नहीं होने देंगे। So enjoy इस घर की अय्याशी till at last, क्योंकि कल तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। क्योंकि जितने प्यार से सुमेर जी ने तुम्हें इस घर में वेलकम किया है, उससे कई ज्यादा नफरत से वो तुम्हें इस घर से बाहर निकालेंगे। असली पार्टी तो अब शुरू होगी। बैब्स, अब यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपका और रौनक भाई का तो कपल डांस बनता है। चलो। अब निशा, नहीं, तुम जाओ, तुम एंजॉय करो। अरे यार चलो ना। निशा प्लीज, मैं डांस नहीं करूंगी। डांस के पहले तुम्हारी बैब्स को थोड़ी एनर्जी ड्रिंक तो लेने दो। ये लो, तुम्हारा फेवरेट ऑरेंज जूस। चलो पियो जल्दी, वरना डांस के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी। रोशनी, यहाँ आओ ना प्लीज, मुझे कोई अर्जेंट काम है, जल्दी।
बैब्स चलो ना, सब इंतजार कर रहे, तुम चलो अब, चलो। अरे आओ ना यार। स्टेज परफॉर्मेंस नहीं करनी है, एक दूसरे के आंखों में देखो एंड जस्ट ग्रूव एंड डांस। कम ऑन चलो। निशा, अरे डांस वांस तो होता रहेगा, पहले लेट्स रेज अ टोस्ट फॉर द कपल। गॉड ब्लेस द ब्राइड। चीयर्स। चीयर्स। मेरे लिए पार्टी इज ओवर, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, गुड नाइट। दी, पार्टी तो अभी बाकी है, असली मजा तो अब आने वाला है। नो स्वीटहार्ट, असली मजा कल आएगा। मतलब? मतलब पार्टी आज करो, ब्लास्ट कल होगा। थैंक यू छोटी। थैंक यू सो मच। इस बैचलर्स पार्टी से पता लग गया कि तुझे आज भी मेरी परवाह। तूने बिल्कुल वैसी ही पार्टी थी जैसे तू मुझसे कहा करती थी कि मेरी शादी से पहले देखी। एक सेकेंड, इतनी बड़ी गलतफहमी मत पालो होने वाली बहुरानी। ये पार्टी तुम्हारे लिए नहीं थी, रौनक के लिए थी। तुमसे ज्यादा गहरा रिश्ता है मेरा उसके साथ। बैब्स, अरे यार अब फिर भाग आई, चलो वापस डांस करने। अब नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ और मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। तुम जाओ, तुम एंजॉय करो, मैं कल मिलती हूँ तुमसे। ओके ठीक है, टेक केयर, बाय। लगता है ड्रिंक ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। गुड नाइट चांदनी, कल शाम को जब तुम्हारी मॉर्निंग होगी तब सीधा ड्रामे के लिए मिलेंगे। शौनक को जाके बता देती हूँ कि मेहंदी से पहले ही उसकी दुल्हन नॉकआउट हो जाएगी। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।